फ्रेंड्स, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल में। सो गाइस, अभी अगर आप आरटीएमएनयू के स्टूडेंट हो तो राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज के स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है गाइस। सर्कुलर रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ समर 2021 एग्जामिनेशन। सो गाइस, जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है वो किस तरह से होगी ये अपन जानेंगे वीडियो में। और मे बी गाइस, आप लोगों के पेपर अगर कोविड की सिचुएशन इसी तरह से अभी कम हो रही है, जिस तरह से अभी लॉकडाउन खुल रहा है, तो मे बी आपके जो पेपर्स होने वाले हैं वो मे बी प्रैक्टिकली मीन्स आपको फिजिकली भी देना पड़ सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन कोविड-19 सिचुएशन। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मैं आरटीएमएनयू के होम पेज पे आ गया हूँ। तो फिर गाइस, आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके भी डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिएगा आरटीएमएनयू और आपको डायरेक्टली होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको ये मिल जाएगा गाइस, सर्कुलर रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ समर 2021 एग्जामिनेशन। सो गाइस, ये देखिए व्यू पीडीएफ पे हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसको और आप डेट भी देख लीजिएगा। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो 100% रियल फैक्ट के साथ बताता हूँ। सो गाइस, ये देखिए आज की डेट है 7/6/2021। तो अपन पीडीएफ देखते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे ये पेज खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ परिपत्र। तो गाइस, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है आप देख सकते हो, उसका डेट भी आज की नोटिफिकेशन है और ये मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। सर्व संबंधित महाविद्यालय ने विद्यार्थी प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना सूचित करण्यात येते की उन्हाळी 2021 परीक्षेकरता सध्या पदवी स्तरावरील अंतिम सत्र अंतिम वर्ष यूजी विद्यार्थ्यांचे नियमित माजी व भविष्य विद्यार्थी रेग्युलर ओल्ड फेल्युअर अँड एक्सटर्नल स्टुडंट प्रत्यक्षित परीक्षा प्रॅक्टिकल असाइनमेंट वर्कशॉप प्रोजेक्ट दिनांक 15/6/2021 पर्यंत, तसेच पदवी स्तरावर अंतिम सत्र अंतिम पीजी विद्यार्थ्यांचे नियमित माजी भविष्य रेग्युलर ओल्ड फेल्युअर एक्सटर्नल स्टुडंट यांची परीक्षा वर्कशॉप प्रोजेक्ट हे 12/7 ते 17/7 पर्यंत ऑनलाईन मोडनी महाविद्यालयीन स्तरावर घ्याव्यात व विद्यार्थ्यांना। तो गाइस, ये नोटिस मैं आप लोगों को समझा के भी बता देता हूँ कि गाइस, नोटिस में ये कहा है कि जो भी आरटीएमएनयू के स्टूडेंट है, जो टीचर्स टीचिंग स्टाफ के साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज है, उन सभी के लिए नोटिस है, स्टूडेंट के साथ साथ टीचिंग स्टाफ से लेके सभी के लिए। तो गाइस, इन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी अभी फाइनल ईयर्स के पे प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट यूजी मींस, और जो भी रेगुलर स्टूडेंट है या फिर फेल्युअर स्टूडेंट है ओल्ड, जिनके कुछ सब्जेक्ट बैक है वो, या फिर एक्सटर्नल स्टूडेंट जिनका डायरेक्ट अभी एग्जाम, इन सभी के गाइस प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्कशॉप ये प्रोजेक्ट ये जितने भी हैं, ये आपकी डेट 15/6 से लेकर 26/6 तक के होने वाला है। साथ ही साथ जो पीजी के स्टूडेंट है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, जो एमटेक वगैरह कर रहे हैं, एमफॉर्म वगैरह, तो उनके वो भी स्टूडेंट है जो रेगुलर ओल्ड फेल्युअर और एक्सटर्नल स्टूडेंट, इन सभी के प्रोजेक्ट असाइनमेंट वर्क और ये सब, इसकी जो डेट इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया है वो 12/7 से लेकर 17/7 तक के विदिन वीक, एक वीक का टाइम दिया है, लेकिन ये ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की दोनों की एग्जाम्स ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन होने वाली है। इन्होंने साफ तौर पर टाइम स्लॉट डेट स्लॉट दिए है आप लोगों को, दोनों भी आप देख लीजिएगा, यही टाइम स्लॉट में आप लोगों का प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम्स होने वाली है। साथ ही साथ ये नोटिस में आगे कहते हैं गाइस कि ये जो एग्जाम्स है वो आप लोगों के कॉलेज लेवल पे होने वाली है। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम जो भी लेगा, मतलब इंटरनल, आपको पता है कि बाहर से कोई गेस्ट आता है लेने के लिए, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, इंटरनली कॉलेज का ही कोई थर्ड मेंबर होगा जो आपका अदर सब्जेक्ट का टीचर, वही आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम लेने वाले हैं, जैसा अभी तक होते आया है। इन्होंने साथ ही साथ आगे ये कहा कि जो भी स्टूडेंट है उनको आने के लिए मत बोलिए कॉलेज में, आपको साफ तौर पर मना किया गया है गाइस, और टीचिंग स्टाफ को भी बोला गया है कि किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज में स्कूल में नहीं मत बुलाइए, ताकि जो इनके नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कोविड-19 के, ताकि उस वो रूल अनफॉलो ना हो, और जो भी आपकी मार्किंग सिस्टम होगी वो आपके जो कॉलेज लेवल पे, जो भी आपकी एग्जाम होने के बाद में विदिन 2 डेज में कॉलेज से आपसे जो लॉगिन होता है उसमें आपके नंबर्स, टीचिंग ये ओनली टीचिंग स्टाफ के लिए है, उनको वो एक्सेल में आपके जो मार्कशीट में है वो वहाँ उनको पुट करना है। सो गाइस, ऑल रूल्स और रेगुलेशन आप स्टूडेंट के साथ साथ टीचिंग स्टाफ को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, यही कहा है। और आप देख सकते हो जो संचालक है गाइस डॉक्टर फकुल सर, उनके साइन भी है यहाँ पे। सो गाइस, ये थी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गाइस, आप यहाँ देख सकते हो नोटिस बोर्ड पर लिखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा रिमाइंडर लेटर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीनेशन। सो गाइस, अभी जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनको कुछ दिन में ही, साथ ही साथ ये जो स्टूडेंट है उनको उनके जो वैक्सीनेशन हुआ या नहीं उनका भी डाटा कुछ दिन के बाद उनको देना है गाइस, आप देख सकते हो। काइंडली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग फील्ड, डू नॉट चेंज एनी, तो ये जो फॉर्मेट गाइस यूनिवर्सिटी ने दिया है आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम स्टूडेंट का, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर, मेल फीमेल, क्लास, ये सभी दिया है, ये सभी कॉलेज सब आप लोग, आपको टीचिंग स्टाफ को भरना है। ये कैटिक विद्यार्थी है वो विद्यार्थियों की महत्व वेगवेगे, तो गाइस ये भी मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अलग अलग दी जाए, तो जितने भी 18 ईयर्स के ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन गाइस इस पे टीचिंग स्टाफ को भरना है, और वो एक्सेल शीट में, सॉफ्ट कॉपी में, टाइम रोमन में, ये जो फॉन्ट है टाइम रोमन, इस फॉन्ट में आपको पुट कर, और ये जो दिए गए ईमेल आईडी पे भेज देना, ये ओनली टीचिंग स्टाफ के लिए इन्फॉर्मेशन थी गाइस, इनको इसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, स्टूडेंट का ओनली इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने बताया है।